स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट है सोफोस कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें पैटर्न अपडेट रहेगा, टाइम को कैसे सिंक करते हैं फायरवॉल को इंटरनेट के साथ, होस्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताएंगे, प्रोफाइल में शेड्यूलिंग कैसे होती है, और फायरवॉल कुछ फायरवॉल रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ओवर द वैन पिंग को अलाउ किया था, राइट? तो अभी पिंग के साथ मैंने उसको वैन पे भी एक्सेस करा दिया है। जैसे मैं आपको शो करता हूँ लॉगिन करके फायरवॉल में, बाय डिफ़ॉल्ट ओवर द वैन HTTPS सर्विस इनेबल नहीं होनी चाहिए फायरवॉल के लिए, लेकिन ये मेरा एक होम सिस्टम है और होम पे मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए ओवर द वैन इसको एक्सेस कराया है। यहाँ पे आप नेटवर्क में जाएंगे तो देखेंगे मैंने क्या ऑप्शन सेट किए हुए हैं। लैन को मैंने IP दिया है 192.168.1.250, वैन के लिए मैंने दिया 192.168.58.144। मेरा जो लैन IP है, मैं आपको एक अपना शो भी कर देता हूँ, ये सोफोस का मेरा फायरवॉल इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए मैंने जो लैन IP है उसको VMnet2 में डाल दिया है, राइट, ताकि वो मेरी बाहर वाली मशीन से एक्सेसिबल नहीं हो। तो अगर मैं चाहूँगा इसको एक्सेसिबल करना इस पर्टिकुलर IP के थ्रू 192.168.1.250 और 4445 के, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। राइट, इस तरह से ये एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ मैं अगर उसको एक्सेस करूँगा ओवर द वैन, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में कि ये नेट के बिहाइंड में मैंने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ओवर द वैन मैं इसको एक्सेसिबल कर सकता हूँ। अब मैंने एक मशीन और बनाई है, ठीक है, Windows 10 की। उसमें मैंने सेटिंग की है कि इस पर्टिकुलर मशीन के इंटरफेस को VMnet2 से दिया हुआ है, राइट, इस तरह से। तो इस पर अभी जगह मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर कोई भी IP एड्रेस अभी असाइन नहीं है। देखिए कोई भी IP एड्रेस नहीं, अपीपा एड्रेस है 169 की सीरीज में, ऑटोमेटिकली प्राइवेट IP एड्रेस, राइट। तो अब मैं सबसे पहले इसका DHCP ऑन करूंगा, मैं अपनी फायरवॉल का DHCP ऑन करने के लिए मेरे को DHCP में जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने लास्ट बार मैंने DHCP सर्वर बनाया था, राइट, उसको मैं जस्ट इनेबल कर दूंगा। ये मैंने इनेबल कर दिया। अब मैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन पर जाऊंगा और यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा IP config /renew। ऑलराइट, देखिए इसको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस मिल गया 192.168.1.50 और डिफॉल्ट गेट पे 1.250 जो मैंने इसका लैन IP सेट किया हुआ था, राइट। तो इस तरह से इसको IP एड्रेस मिल चुका है। अब सबसे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है पैटर्न अपडेट। पैटर्न अपडेट बेसिकली क्या होता है, मैं बैकअप एंड फर्मवेयर में जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैटर्न अपडेट। पैटर्न अपडेट क्या होता है, इसके जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं फायरवॉल्स के, पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसको रन करने के लिए बेसिकली, जैसे अवीरा AV हुआ, ATP हुआ, ऑथेंटिकेशन क्लाइंट हुआ, ठीक है, रेड फर्मवेयर और सोफोस कनेक्ट क्लाइंट, ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं, ठीक है। इन फीचर्स के डेली डेली मंथली या ईयरली क्वार्टरली में भी इसके अपडेट आते रहते हैं, राइट। तो उसको अपडेट करने के लिए आप यहां से अपडेट पैटर्न नाउ करके कर सकते हैं, राइट। अपडेट पैटर्न नाउ करने के बाद जैसे मैं करता हूं इसको, तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और अपडेट हो जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट यहां पे भी आप सेटिंग सेट कर सकते हैं कि ऑटो अपडेट रहे ये कितने इंटरवल के बाद, तो यहां पे आप अपने ऑटो अपडेट सेट कर सकते हैं, लाइक मैंने डिफाइन कर दिया every 12 आवर्स, और अप्लाई। इस तरह से पैटर्न अपडेट को मैंने सेट कर दिया। अब देखिए जब पैटर्न अपडेट हो जाता है तो यहाँ पे रेडी इस तरह से ऑप्शंस आएंगे आपके। देखिए यहाँ पे AP फर्मवेयर में दिखाया करंट वर्जन ये है और अवेलेबल वर्जन ये है, राइट। अगर आपके आपको पैटर्न अपडेट इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल कर देंगे, वो नया वर्जन के ऊपर चला जाएगा, जैसे इंस्टॉल कर दिया मैंने यहाँ पे। बट ये सब चीज़ें देख करने से पहले आप अपने पहले पर्टिकुलर एनवायरमेंट को देख लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्शन करना पड़ेगा। ये देखिए करंट वर्जन पे ये अप टू डेट हो गया है। तो इस तरह से ये पैटर्न अपडेट होता है। उसके बाद मैं ऑप्शन चलूंगा एडमिनिस्ट्रेशन में, टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट में आपका जो फायरवॉल का टाइम है उसको मैं सिंक कराऊंगा पर्टिकुलर टाइम गूगल से या जिससे भी आपको कराना चाहते, जो NTP सर्वर है। तो मेरे पास जैसे मैं ऑप्शन यूज करता हूँ time.google.com, राइट, इसको यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने,
और सिंक नाउ, राइट एंड देन अप्लाई। तो इस तरह से टाइम सेटिंग सेट हो गई है। तो अब जब भी आप उसको, आपको टाइम मैनुअल सिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो सिंक करेगा फायरवॉल जो टाइम सिंक करेगा वो time.google.com से सिंक करेगा। तो ये जो ऑप्शन होता है ये आपका टाइम वाले जो टैब में, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं होस्ट एंड सर्विसेज की। होस्ट एंड सर्विसेज देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर दिख रहा है, सिस्टम पे होस्ट एंड सर्विसेज में जाऊँगा। यहाँ पे बेसिकली जो भी आप आईपी एड्रेस को ऐड कराना चाहते हैं, किसी होस्ट में ऐड कराना चाहते हैं, या पर्टिकुलर उस कुछ आईपीस का ग्रुप बनाना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर एफक्यूडीएन ऐड कराना चाहते हैं, और एफक्यूडीएन ऐड कराने के बाद उसको पर्टिकुलर किसी ग्रुप में डालना चाहते हैं, या कोई कंट्री का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो सारे की सारी जो सेटिंग्स होती है वो आपकी होस्ट एंड सर्विसेज से होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ऐड किया और यहाँ पर लिखा गूगल IP1, आईपी दे दिया 8.8.8.8, राइट। ऐसे मैंने एक और दे दिया गूगल IP2 8.8.4.4, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी इसकी सेटिंग्स आ गई, राइट। अब अगर इनको मैं एक कंबाइंड करके एक पर्टिकुलर ग्रुप में बनाना चाहूँगा, ग्रुप में डालना चाहता हूँ, तो आईपी होस्ट ग्रुप में जाऊँगा और ऐड कराऊँगा गूगल, राइट, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी लिस्ट आ रही है गूगल IP1 गूगल IP2। तो इस तरह से बेसिकली आप जहाँ पे मल्टीपल आईपीज होते हैं उसको एक आपको कंबाइंड ग्रुप में डालना है, तो वहाँ पे जाकर के आप होस्ट एंड सर्विसेज में आईपी होस्ट ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेम चीज़ होती है FQTN। FQTN में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका जो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, ठीक है, उसकी एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट की बहुत सारी मल्टीपल FQTN लिस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया टेस्ट URL, ठीक है, लाइक गूगल डॉट कॉम एंड देन सेव। Test2 Microsoft.com एंड देन सेव। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली Google.com और Microsoft.com आ जाता है। अगर आप सर्च करना चाहो तो सर्च करके भी यहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हो। जैसे FQDN में मैं गया और यहाँ पे लिखा Google.com एंड देन अप्लाई, तो उससे रिलेटेड FQDN जितने भी आपके बने हुए हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे हमने बनाया था टेस्ट URL google.com, तो यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। अब मैं इन दोनों को कंबाइंड करके एक पर्टिकुलर FQDN होस्ट ग्रुप बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं FQDN होस्ट ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा अलाउ टेम्प, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने करा टेस्ट URL और टेस्ट 2, इन दोनों को ऐड कर दिया एंड देन सेव। तो पर्टिकुलर मेरे को कभी भी जब क्लाइंट पे कोई कोई पर्टिकुलर रूल बनाना पड़ेगा तो मेरे को पर्टिकुलर हर एक FQDN या पर्टिकुलर IP अलाउ नहीं करना पड़ेगा, मेरे को पर्टिकुलर FQDN होस्ट ग्रुप या IP होस्ट ग्रुप उसको ऐड करा सकता हूँ, ताकि मेरे को मल्टीपल बार बार उस चीज़ को रिपीट ना करना पड़े। इसके बाद आता है आपका कंट्री ग्रुप। कंट्री ग्रुप में जब जाऊंगा तो मैं यहाँ पे मल्टीपल आपकी कंट्रीज आप देख सकते हो। मेरे को अगर ऐड करानी है कि सपोज करो टेम्प पे ना करा गया, अलाउड ओनली फ्रॉम इंडिया, राइट, तो एक्सेप्ट या आप जो भी पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने केवल इंडिया में टाइप करता हूँ, राइट, इस तरह से, या अलाउ ओनली फॉर एशिया, इस तरह से मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे दे दिया जैसे चाइना, ठीक है, इस तरह से मल्टीपल कंट्रीज मैंने अलाउ कर सकता हूँ यहाँ पे। इस तरह से एक ग्रुप बन जाएगा। और अगर कोई भी मैं पॉलिसी लगाऊंगा या रूल बनाऊंगा फायरवॉल जो अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं पर्टिकुलर उस ग्रुप को ही असाइन करा दूंगा उस रूल के लिए, राइट। तो जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, ये देखिए ऑलरेडी एक ग्रुप बन गया मेरा, अलाउ ओनली फ्रॉम एशिया, राइट। देन सर्विसेज में जाऊंगा। सर्विसेज में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सर्विसेज में क्या होता है, पोर्ट नंबर डिफाइन होते हैं कि पर्टिकुलर कोई सर्विस आप रन करते हो तो वो पर्टिकुलर सर्विस एक पोर्ट पे डिफाइन होती है, तो उसको नया पोर्ट अलाउ करना है या पर्टिकुलर ऐड कराना है, तो वो डिफाइन आप यहाँ पे सारी चीज़ कर सकते हो। सेम चीज़ सर्विस ग्रुप होता है कि मल्टीपल पोर्ट्स के ग्रुप हैं, तो आप उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हो मल्टीपल। जैसे सर्विस मैंने ऐड करा दिया मल्टीपल पोर्ट्स, ऐड,
अब मैंने यहाँ पे सर्विस जो पोर्ट है वो लिया HTTP और HTTPS, राइट, और साथ साथ मैंने ले लिया ICMP जो आपके इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल होती है जो पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। इनका तो एक ग्रुप अब जो बन गया वो बन गया मल्टीपल पोर्ट का, HTTP, HTTPS और ICMP। तो अब मैं अगर कोई रूल बनाता हूँ और उसमें असाइन करूंगा कि मल्टीपल पोर्ट की एक कोई सिस्टम अगर इंटरनेट से इंटरनेट पे बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है, राइट, तो उसके लिए अगर मैं मल्टीपल पोर्ट अलाउ करूंगा, जैसे ही लिखूंगा ये, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए कौन कौन से पोर्ट अलाउ हो जाएंगे, HTTP, HTTPS और ICMP। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं अपन प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल में गया मैं जैसे, तो यहाँ पे देखिए एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है कि अगर सपोज करो कोई आप रूल बना रहे हैं, मैं शेड्यूलिंग करनी है कि पर्टिकुलर जो रूल है, सपोज मैंने एक क्लाइंट को एक्सेस दिया इंटरनेट का, राइट, और उसको इंटरनेट का एक्सेस देना केवल 1 घंटे के लिए, तो मैं कहाँ से वो कर सकता हूँ, वहाँ मैं यहाँ पे प्रोफाइल में जाके शेड्यूल में जाकर के एक प्रोफाइल बना सकता हूँ और उसका डेट एंड टाइम सेट कर सकता हूँ कि वो कब से कब तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ इसको 8.8.8.8 स्पेस -30। देखिए अभी ये पिंग आ रहा है, मतलब इंटरनेट पे कनेक्टिविटी जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं तो उसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स ऑटोमेटिकली बने हुए होते हैं। जैसा कि रूल्स एंड पॉलिसीज में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए आप सारे के सारे कुछ प्री डिफाइंड रूल्स बने हुए हैं, तो मैं इन सबको तो पहले डिलीट कर देता हूँ। राइट, ऐसे नेट रूल में जाता हूँ और नेट रूल में भी बाय डिफॉल्ट जो रूल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एसएसएल इंस्पेक्शन अभी बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है तो मैं उसको बाद में चेक करूंगा, पहले सबसे पहले अपन फायरवॉल रूल में जाते हैं। यहाँ पे अभी देखिए कोई भी रूल नहीं है, केवल एक रूल है जो बाय डिफॉल्ट रूल होता है, ड्रॉप ऑल। तो अगर कोई भी रूल ऐप लगा हुआ नहीं है, बना हुआ नहीं है, तो फायरवॉल क्या समझेगी कि ड्रॉप ऑल, मतलब सारी चीज़ों को ड्रॉप कर दे, कोई कनेक्शन नहीं बनाए। अगर मैं देखता हूँ उस फायरवॉल में, उस क्लाइंट साइड में जाकर के, तो देखिए मेरा पिंग बंद हो गया ऑटोमेटिकली, राइट, क्योंकि मैंने सारे रूल डिलीट कर दिए थे और जो डिफॉल्ट रूल है कौन सा, डिनाई वाला, ड्रॉप ऑल, मतलब सारे के सारे कनेक्शन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाए, कोई भी कुछ भी चीज़ एक्सेसिबल नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे ये इंटरनेट बंद हो गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर के एक रूल बनाता हूँ, एड न्यू रूल, अलाउ इंटरनेट टू क्लाइंट, राइट। यहाँ पे ये टिक मार्क आता है लॉक फायरवॉल रूल, यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिए, क्योंकि कोई भी लॉक्स बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और आप उसको लॉक व्यूअर में जाके उसको चेक कर सकते हैं, राइट। एक्शन में 3 ऑप्शन शो होता है, एक्सेप्ट, ड्रॉप और रिजेक्शन। ये वेब प्रोटेक्शन क्या अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो जो भी एक्शन आप यूज़ करते हो, जैसे एक्सेप्ट कर दिया, ड्रॉप कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया इंटरनेट एक्सेस डिस्क्रिप्शन में, रूल पोजीशन बेसिकली यहाँ पे आपने टॉप कर दी, रूल ग्रुप यहाँ पे आप रूल ग्रुप बना सकते हो कि सपोज करो मेरे पास 5-6 चीज़ें हैं, राइट, किसी को इंटरनेट देना है, एक रूल मेरा ऐसा है जो बाहर से अंदर के लिए है, एक ऐसा रूल है जो अंदर से बाहर के लिए, तो यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो ग्रुप बना करके कि आपका जो रूल है वो किस तरह की कैटेगरी में है। तो अभी तो मैं फिलहाल नन कर देता हूँ, अदरवाइज आप क्रिएट न्यू पे जाके अकॉर्डिंग टू योर नीड जो भी होता है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि रूल टाइप क्या है, एनी, ठीक है, रूल टाइप एनी आपने दे दिया, सोर्स जोन कहाँ से, डेस्टिनी जोन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें इस तरह से सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको नन कर देता हूँ। सोर्स जोन अंदर से बाहर जाना है, तो देखिए जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लैन, वैन, DNZ, VPN, वाईफाई, तो मेरे को इंटरनेट देना है, मतलब अंदर जो लैन जो है, लोकल एरिया नेटवर्क, उनकी मशीन को इंटरनेट देना है, तो मैं यहाँ पे लैन पे सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई, यहाँ पे एनी को हटा करके यहाँ पे मैं एक आईपी डिफाइन करूंगा जो मेरे उस सिस्टम का आईपी मिला हुआ है, या पर्टिकुलर होस्ट नेम आप सेट कर सकते हैं अगर आपका एडी एनवायरनमेंट है। तो मैंने दिया क्लाइंट आईपी एड्रेस, जैसा आप देख सकते हो इस पे मिला था जो मेरे को वो 1.50 था। दोबारा अपन चेक कर लेते हैं, आईपी कॉन्फिग 1.50, तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा 192.168.1.50। सेव, डेस्टिनेशन मतलब मेरे को बाहर जाना है, राइट, इंटरनेट पे, तो इंटरनेट मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, तो वैन पे क्लिक करूंगा, अप्लाई,
डेस्टिनेशन एनी नहीं करना, मेरे को केवल अलाउ करना है इसको पिंग केवल गूगल के लिए, राइट 8.8। तो मैंने क्या करूँगा, उसको गया और गूगल, जी देखो जो मैंने आईपी होस्ट ग्रुप बनाया था वो यहाँ पे लास्ट लास्ट में शो हो रहा है, राइट। तो मेरे को इस पे पिंग कराना है, तो जस्ट मैं केवल इसको अप्लाई कर दूंगा गूगल पे टिक मार करके। सर्विसेज में मैंने डिफाइन की थी, तो अभी मैं केवल सर्विसेज में ICMP यूज़ कर रहा हूँ, ICMP फॉर पिंग के लिए। तो इसको पिंग अलाउ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट लिंक नेट रूल। क्रिएट लिंक नेट रूल क्या होता है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन होते हैं इसमें। बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन होता है ओरिजिनल और दूसरा होता है MASQ, राइट। ओरिजिनल मतलब अगर सपोज आपने अपने क्लाइंट मशीन को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस से बाइंड किया हुआ है, राइट, तो आप इसको ओरिजिनल ले सकते हो। तो जो बाहर जाएगा क्लाइंट वो कौन सा आईपी लेके जाएगा, उसका खुद का जो आपने फायरवॉल पर उसको बाइंड किया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है वो बाहर जाए, तो बाहर कौन सा लेके जाए, जो पर्टिकुलर फायरवॉल का आईपी एड्रेस है, फायरवॉल को जो पब्लिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसी को, तो मैं MASQ यूज़ कर दूंगा। तो वो फायरवॉल का इंटरफेस के थ्रू जो निकलता है वैसे ही जाएगा, MASQ यूज़ किया और मैं जैसे इसको सेव कर दूंगा। बाकी ऑप्शन क्या है वो अपन जब नेट डिफाइन करेंगे तब तो अपन सीखेंगे। तो अभी जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव पे जाऊँगा, नीचे क्या ऑप्शन है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ऑलराइट ये सेव हो गया। तो जैसा कि रूल बना हुआ है कि लैन से लाइन में क्लाइंट वाला जो पर्टिकुलर सोर्स है उससे डेस्टिनेशन पे वैन गूगल पे केवल ICMP अलाउ होना चाहिए, तो मैं मशीन की तरह जाता हूँ क्लाइंट पे और चेक करता हूँ। तो ये देखिए कंटिन्यूअस का पिंग आने लग गया, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, जो भी आप सर्विसेज आप यहाँ पे देते हैं, राइट, इस सर्विसेज में यहाँ पे तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कुछ आगे की कुछ वीडियो में अपन और इसके बारे में डीप पढ़ेंगे, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।